वेलकम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको स्टीम वाला रोस्ट बनाना सिखाऊंगी। मटन रोस्ट बनाएंगे आज हम, तो चलें आप लोग भी देखिए और सीखिए। तो ये मेरे पास फ्रेश 2 टीस्पून लहसुन है पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून अदरक है मेरे पास, बहुत बारीक नहीं किया हाथ से कूटा है फ्रेश, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च है मेरे पास जिसको मोटा मोटा पीसना है आपने, नमक हसबे जायका है, हरी मिर्चें 8 से 10 है मेरे पास, 5 अदद टमाटर हैं जो कि 2 टुकड़े सिर्फ करने हैं हमने, और ये 1 किलो के तकरीबन मेरे पास गोश्त है, ये आलू हैं जिनके इस तरह के 2 टुकड़े करने हैं हमने, 5 से 6 आलू ले लें आप लोग, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े का यमी बनता है ये भी। बकरा ईद आ रही है तो हर तरीके की डिशेस ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये लीजिए, आइए हम कुक करने की तरफ चलते हैं, इसे चढ़ाने की तरफ। मीडियम फ्लेम पे मैंने तवा 10 मिनट पहले रखा था, वो गर्म हो गया है, देशकी मेरी गर्म नहीं है तो देशकी मैंने रख दी है। अब इसमें मैं नीचे लेयर लगाऊंगी गोश्त की, और गोश्त थोड़ा सा आप लोगों के पास चर्बी के साथ होना चाहिए, इसमें ऑयल नहीं डालना हमने। इसके बाद 1 लेयर आलू की देंगे हम, जितने इसमें लेयर में दे सकती हूँ मैं, 2 दरमियानी साइज की प्याज ले लें, उसे भी ऐसे बड़ी बड़ी काटनी है 2 हिस्सों में हमने। ये टमाटर की भी लेयर जा रही है इसमें, ऐसे 2 टुकड़े ही करने हैं। ये हसबे जायका नमक मैं आधा इधर डाल रही हूँ, आधा लास्ट में डालूंगी ऊपर। ये लहसुन हाथ से कुटा हुआ है फ्रेश, आधा ये अभी डालेंगे, आधा फिर ऊपर डालेंगे। इसी तरह ये अदरक है घर में कूट के ताज़ा फ्रेश किया हुआ है, दर दरा सा, आधा अभी डाल रहे हैं, आधा दूसरी लेयर में डालेंगे। काली मिर्ची को घर में फ्रेश पीसा है, आधा अब डाल रहे हैं, आधा नेक्स्ट डालेंगे। ये हरी मिर्ची है, 2 टुकड़े करने हरी मिर्ची के। ये गोश्त की 2nd लेयर लगा रही हूँ मैं। ये 2nd लेयर गोश्त के बाद फिर इसके ऊपर ये जा रहा है प्याज। लहसुन अदरक काली मिर्ची का पाउडर फ्रेश हरी मिर्चें टमाटर, ये इसी के पानी में हो जाना है, इसमें पानी नहीं ऐड करना, नीचे तवा रख के हमने दम वाली आंच पे इसे कुक करना है। लास्ट में फिर 1 आलू की लेयर दे दें, मीडियम साइज के आलू ले लें आप, 4 चलें डन होने के बाद आपके साथ मिलते हैं। ये दम की आंच पे हमने इसे रख दिया है, आटे से चारों तरफ फिलिंग करते हैं हम, आटे के साथ मैंने चारों तरफ से फिलिंग कर दी है, ऊपर ये सिल्का बट्टा रख रहे हैं, आपके पास सिल्का बट्टा अवेलेबल नहीं है तो आप पतीली में पानी डाल के इस ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं। चलें 1 hour 15 minutes के बाद आपके पास आते हैं। 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं, आइए हम इसे ओपन करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये व्यूवर्स हमारा स्टीम वाला रोस्ट बिल्कुल तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है, कुक भी हो गया है, एक एक चीज़ गल गई है बिल्कुल, आलू भी हमारा गल गया है। देखें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना है। मेरे पेज को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।